राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल। गोहिल जी, कैसे देखते हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण को आप? देखिए, बहुत उम्मीद थी देश के लोगों को कि 10 साल इस सरकार को खत्म हो रहे हैं, तो 10 साल पहले जो मोदी गारंटियां थी उसमें क्या हुआ उसका जिक्र होगा। कुछ बात नहीं हुई। 10 साल पहले क्या था आपको याद होगा, क्या कहा था? काला धन वापिस ले आऊंगा, यूं ही सबके खाते में 15-15 लाख आ जाएंगे। आए क्या किसी के खाते में? 10 साल पहले क्या गारंटी दी थी? एक सर मेरे फौज के जवान का जाएगा, 10 सर लेके आऊंगा। बिहार रेजिमेंट के 20 जवान शहीद हो गए। क्या क्या चाइना के खिलाफ आपने कुछ भी कहा था? किसान की आय दुगनी कर दूंगा, हुई आय दुगनी, 2 करोड़ नौकरियां खोल दूंगा। आज जिक्र हुआ अभिभाषण में, सिर्फ चंद लाख नौकरियां दी है, चली गई उसकी तो बात ही नहीं, तो हर साल 2 करोड़ कहा था उसका क्या हुआ? तो अभिभाषण में सिर्फ लिफाफोपी है। हम हर हिंदुस्तानी जब भी आता है वक्त, हम प्रार्थना करते, आराधना करते, हम प्रेयर करते, हर हिंदुस्तानी करता है, जिसमें भी श्रद्धा है वहाँ करता है। मैं हिंदू हूँ, मैं मेरे कुल देवता की, मेरी कुल देवी की हर रोज प्रार्थना पूजा अर्चना करता हूँ मोक्ष की प्राप्ति के लिए। भगवान को मतों की प्राप्ति के लिए यूज नहीं होना है। आज तो यहाँ मतों की प्राप्ति लिए, अरे भगवान श्री राम हमारे दिलो दिमाग में है, भगवान श्री राम मोक्ष की प्राप्ति के लिए है, मतों की प्राप्ति के लिए नहीं। यहाँ तो शंकराचार्य जी जो कहते हैं वो भी नहीं मानना है, और मतों की प्राप्ति के लिए जो हो रहा है वो ठीक नहीं। शक्ति जी, आज जो प्रधानमंत्री ने सदन परिसर में अपना बयान दिया, उन्होंने कई बातें कही थी, और खास तौर से ये बयान महत्वपूर्ण हो जाता है जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर शक्ति सिंह गोहिल अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।